मध्य प्रदेश के सागर जिले को एक बार फिर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सागर में स्टेट यूनिवर्सिटी बनवाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब एक और महाविद्यालय सागर में खुलने वाला है। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। दरअसल 20 जनवरी को सागर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में राजकीय विश्वविद्यालय संचालित करने की घोषणा की थी। इसके लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है, तो वहीं विश्वविद्यालय का संचालन इसी सत्र से शुरू हो जाएगा। इसके लिए शासकीय बिल्डिंग का चयन भी अभी होना है। इसके बाद अब आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने की जानकारी भी विधानसभा में दी गई है। विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महज 19 दिनों के भीतर सागर के लिए दो बड़ी सौगातें दी हैं। इससे निश्चित तौर पर सागर की पहचान उच्च शिक्षा के विशेष केंद्र के तौर पर स्थापित होगी। सागर में आयुर्वेद महाविद्यालय खुलेगा, इसकी प्रारंभिक कार्यवाही बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को विधानसभा में दी। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने बजट सत्र में सागर में आयुष महाविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर प्रश्न उठाया था। आयुर्वेद महाविद्यालय के तहत 100 बिस्तर का अस्पताल होगा। महाविद्यालय में 14 अकादमिक विभाग संचालित होंगे। पंचकर्म पद्धति से चिकित्सा होगी, साथ ही सर्जरी के माध्यम से चिकित्सा एवं प्रसूति रोग, बाल एवं शिशु रोग सहित अन्य विभाग संचालित होंगे। फिलहाल शुरुआती तौर पर यहां अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, जबकि स्थापना के 5 साल बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई की अनुमति भी मिल जाएगी। इसमें फार्मेसी एवं औषध गार्डन भी बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड, भागोदय अस्पताल के पास, सागर।